अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम तलबा के लिए रिज़ल्ट के मुतालिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहान जिन स्टूडेंट्स ने दिए हैं वो बड़ी मुश्किल से बड़ी बेताबी से अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हों, टेंथ के हों, उसके साथ साथ ट्वेल्थ के हों, मैट्रिक के इंटरमीडिएट के हों, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हों, बड़ी खबर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। रिज़ल्ट की तारीख के मुतालिक जो फैसला था, पहले जो तारीख बताई गई थी उनको तब्दील कर दिया गया है। बड़ी खबर देने जा रहा हूँ तमाम तलबा व तलबात को, स्टूडेंट्स को, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जिन स्टूडेंट ने पेपर दिए हैं, और अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी नसीब फरमाए। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितनी सी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो तालीम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको मिलती रहे। तो तमाम तलबा जिन स्टूडेंट ने अभी टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स ने इम्तहान दिए हैं, चाहे वो पंजाब बोर्ड से हों, फेडरल बोर्ड से हों, जिन तलबा उनके लिए रिजल्ट की जो नई तारीखें आएँ मुकम्मल तफसीलात के साथ बताने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड की, जो के पी के बोर्ड है। तो के पी के बोर्ड के मुताबिक जो अगस्त का थर्ड वीक है उसके उनमें उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आते हैं फेडरल बोर्ड के मुतालिक, तो फेडरल बोर्ड की जो 25 अगस्त है उस ये तारीख बताई जा रही है रिजल्ट की। हुकूमत ने जो फैसला जो है पहले किया था फेडरल बोर्ड का मिड में अगस्त के मिड में आएगा, वो तारीख तब्दील कर दी गई है। अब जो नई तारीख जो है पंजाब बोर्ड के लिए आई है उसमें जो टेंथ क्लास की डेट है वो 15 अक्टूबर कर दी गई है। जो अभी तक तारीख है वो 15 अक्टूबर है, पहले 19 सितंबर थी। तो अब जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं वो सितंबर का दूसरा हफ्ता बता रहे थे, अब उनके लिए 25 सितंबर कर दी गई है। अभी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है।